दोस्तों, मैं सिराज मेवाती आपके सामने आज एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं कि जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हर युवा हर युवती के लिए बहुत जरूरी है। आज मैं आया हूं फहीम खान राणा जी के क्लब पर, जहां वो छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को, युवतियों को एक ऐसा गेम सिखा रहे हैं मार्शल आर्ट का, जिससे हमारे जिंदगी में कई फायदे हमें नजर आते हैं, जिससे हमारी फिटनेस सही रहती है, हम निरोग बने रहते हैं, जिससे हमें आत्मरक्षा का एक सबक मिलता है और हम आत्मरक्षा कर सकते हैं अपनी, अपने परिवार की, अपने साथी की और अन्य लोगों की भी। जहां ऐसा कहीं हम देखें जहां एक जुल्म हो रहा हो या कोई किसी पे जास्ती कर रहा हो, तो वो इस चीज का प्रयोग करके उसकी रक्षा करने में सक्षम होता है। और आज इस देश के अंदर मैं तो ये कहता हूँ, हर युवा को, हर युवती को ये चीज अपनी जिंदगी में जरूर सीखनी चाहिए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फहीम खान राणा जी का कि वो हर युवती को, हर बच्चे को वो इस गेम को सिखाना चाहते हैं और हर युवा को एक काबिल, एक मजबूत, देश की रीढ़ की हड्डी जो है आज युवा, उसको एक रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूत, जिस पर पूरा देश डिपेंड है, पूरा शरीर जिस डिपेंड है, और वो पूरा निरोग बना रहता है। जिस तरह से उसका शरीर निरोग बना रहता है, उसी तरीके से अगर हर युवा ने इस गेम में हिस्सा लिया, हर युवा ने इस गेम को सीखा, तो पूरा देश हमारा एक मजबूत देश कहलाएगा दुनिया के अंदर। चाहते हैं और हर युवा को एक काबिल, एक मजबूत, देश की रीढ़ की हड्डी जो है आज युवा, उसको एक रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूत, जिस पर पूरा देश डिपेंड है, पूरा शरीर जिस डिपेंड है, और वो पूरा निरोग बना रहता है। जिस तरह से उसका शरीर निरोग बना रहता है, उसी तरीके से अगर हर युवा ने इस गेम में हिस्सा लिया, हर युवा ने इस गेम को सीखा, तो पूरा देश हमारा एक मजबूत देश कहलाएगा दुनिया के अंदर। और इस तरह से हम एक ऐसे मजबूत युवा बन के अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, जो दुनिया में कहीं भी किसी भी चैलेंज को हम कबूल करने में सक्षम होंगे और उसका मुकाबला करने में सक्षम होंगे। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद फिर दोबारा आप लोगों के सामने देना चाहता हूं फहीम खान राणा जी को, जो एक बहुत मशहूर आदमी है कि वो एक एक्टर भी है, आर्टिस्ट भी है, बहुत कलाएं हैं उनके पास, लेकिन वो हर चीज को ये चाहते हैं कि समाज के अंदर, देश के अंदर युवाओं पे वो चीज चली जाए जो मेरे पास है। लम्हा लम्हा दिल की धड़कने बड़ी, दुनिया में कुछ पल के लिए महफूज हुआ। के साथ उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उनकी इन भावनाओं की हमें सबको, हम सारे देशवासियों को कदर करनी चाहिए और उसकी वैल्यू को हमें समझना चाहिए और अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने साथियों को इसकी तरफ आकर्षित करना चाहिए, जिस भाई को जरूरत है।
हमारे हजारों युवाओं को, हजारों युवतियों को, हजारों बच्चों को सिखा चुके हैं, जो काफी लोग उनके सिखाए हुए सिविल सर्विस में गए हैं। इससे कई फायदे आपको होते हैं, आप इससे निरोग बने रहेंगे, बच्चा बीमारियों से बचा रहेगा, आपके डॉक्टर की जो खर्चा है आपकी जिंदगी में वो आपसे कोसों दूर रहेगा। इसीलिए मैं समझता हूँ हर युवाओं को इस गेम में आने की जरूरत है और हर युवा को ये गेम सीखना चाहिए, ये मेरा आपसे कहना है। मार्शल आर्ट का टीचर हूँ। मेरी जो शुरुआत हुई है मार्शल आर्ट में, जो जब से मैं आया हूँ मार्शल आर्ट के अंदर, मैं काफ़ी अच्छा नाम कमा चुका हूँ इस टाइम। और मेरे जो पहले गुरु हुए हैं फहीम खान राणा हुए हैं और वे गुलाउठी में रहते हैं। सीखने के बाद मैंने सोचा कि कुछ, जब मैं कुछ हो गया हूँ, मैं कुछ लगा कि मैं कुछ सीख चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि अब टूर्नामेंट वगैरह खेलूँ। तो मैंने वहाँ मेरठ गया और मेरठ में और भी नेशनल खेला और वुशु से भी नेशनल खेला और किकबॉक्सिंग से स्टेट में ही रहा था। तो मैंने अब उसके बाद मैंने अब ब्लैक बेल्ट भी किया है ताइक्वांडो से, दो टू डैन ब्लैक बेल्ट किया है। बताना और मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मेरे बच्चे काफ़ी अच्छी तरीके से नेशनल स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट से लेकर नेशनल इंटरनेशनल तक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। थैंक्स फॉर फहीम खान राणा सर। ऐसे लुक क्या और फिर ऐसे लेंगे ठीक है।
चाहिए या फिर थैंक्स फॉर फहीम खान राणा सर।